शामली एसओजी और कोतवाली पुलिस को करीब 1 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ बरामद करने में मिली बड़ी सफलता। सिंभाल का बाईपास शामली मेरठ रोड से 2 मादक पदार्थ तस्करों को लगभग 181 किलोग्राम गांजा व तस्करी में प्रयुक्त एक ट्रक सहित गिरफ्तार करने में शामली कोतवाली पुलिस एवं एसओजी को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। बरामद गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है। शामली पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा द्वारा चलाए गए नशा विरोधी अभियान के अंतर्गत शामली कोतवाली प्रभारी समय पाल अत्री और एसओजी टीम प्रभारी राहुल सिसोदिया की टीमों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले में शामली के थाना गढ़ी पुख्ता क्षेत्र के गांव मालेंडी निवासी राजीव शर्मा पुत्र धर्मवीर शर्मा व हापुड़ जनपद के थाना गढ़ मुक्तेश्वर के मोहल्ला मीरा रेती निवासी शाह मोहम्मद उर्फ शान पुत्र तहसीन को गिरफ्तार किया गया है। पता कुछ लोग अभी इस मामले में फरार बताए गए हैं। गांजे के साथ क्या पूरा मामला है? देखिए, 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि एक राजीव शर्मा जो मालेंडी थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली का रहने वाला है और दूसरा शान मोहम्मद जो हापुड़ का रहने वाला है। ये दोनों ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं और काफ़ी समय से जो है एक दूसरे से परिचित हैं। राजीव शर्मा ये करनाल में जो है बसों में सवारी बिठाने के संबंध में ठेकेदारी वगैरह का काम करता है एजेंट के तौर पर, और जो शान मोहम्मद है ये यहाँ से जो है नॉर्मल रिटेल का सामान जो है वो बिहार और आगे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में ट्रांसपोर्ट करता है और वहाँ पर काफ़ी समय रहकर भी सीमेंट वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन मेघालय से बिहार बंगाल आदि राज्यों में करता है। राजीव शर्मा का परिचय एक युवक से हुआ जो उनके अनुसार वीरगंज का रहने वाला है और रेगुलरली जो है रक्सौल डिस्ट्रिक्ट बिहार में आता है और वहाँ से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोगों को तलाशता है। तो राजीव के माध्यम से उसका शान मोहम्मद से संपर्क हुआ और उससे पैसे ऑफर किए गए कुछ सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए और उस संबंध में फिर शान मोहम्मद वो जो है अपने एक मित्र की गाड़ी लेकर वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट गया है। वहाँ पर उसने जो इनका कॉन्थर्ट कॉन्टैक्ट है उसके ड्राइवर को गाड़ी हैंड ओवर की है और इसके अनुसार उसने जो है अगरतला से ये सामान गाड़ी में लोड किया, जिसके बाद जो इनका थर्ड कॉन्टैक्ट था उसने उसके ड्राइवर ने जो है इससे बताया कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए आपको पैसे संभवतः नहीं मिलेंगे। उसके बाद इन लोगों ने जो है आपस में जो है ये प्लानिंग की और जो सामान था कुछ सामान जो है उस ड्राइवर अब्दुल ने शेयर किया है और गाड़ी जो है इसे लाकर यूपी में हैंड ओवर कर दी है, जिसके बाद ये दोनों जो है इसे शामली और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्लान कर रहे थे, जिसके बाद एसओजी टीम ने और कोतवाली की टीम ने जो है इंटरसेप्ट किया है। इन दोनों की अरेस्टिंग हुई है और इनसे करीब 181 किलो गांजा बरामद हुआ है। बाकी जो शेष जो भी अभियुक्त इसमें प्रकाश में आए उनके विरुद्ध कार्रवाई की। सर, जो पकड़ा गया गांजा है उसकी कीमत कितनी है नेशनल बाजार? देखिए, इसकी मार्केट प्राइस 25,000 to 1 lakh पर केजी रहती है, सो अपर लिमिट अराउंड 1.5 to 2 crores होनी चाहिए इसकी। टोटल 181 kg है जो टीम ने बरामद किया है। अच्छा सर, जो पकड़े गए हैं क्या इनका पुराना इतिहास है आपराधिक इतिहास आसपास के जो मतलब सप्लाई करते हैं नशे के खेलों? देखिए, दोनों ट्रांसपोर्ट बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और इनका कहना है कि जो शान मोहम्मद का कहना है कि ये अगस्त में उस व्यक्ति से परिचय हुआ था जो नेपाल बिहार बॉर्डर पर फ्रीक्वेंटली विजिट करता है और इनके पूर्व आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। और राजीव का परिचय वो अन्य 2 व्यक्तियों के थ्रू हुआ है, जिसकी डिटेल्स जो है पूछताछ में आई हैं, हम उनको तलाश कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है।